मैंने अनाउंस भी किया, लॉन्च किया एक खेसारी जी के साथ, एक मेरे साथ, तो ऐसे प्रोड्यूसर के लिए दिल से शुभकामनाएं। एक के बाद एक एक्शन फिल्म आ रही है, हाल ही में कोई एक मूवी आई थी आपकी जिसमें घोड़े को लेकर काफी। हाँ, रुद्रा मैं कर रहा हूँ। रुद्रा मेरे लिए काफी चैलेंजिंग है क्योंकि रुद्रा में मैं एक साथ बाप का रोल भी कर रहा हूँ, बेटे का भी रोल कर रहा हूँ, डबल रोल है। और उसमें घोड़ा, आज तक आप लोगों ने घोड़े को फिल्म में सवारी करते हुए देखा होगा या लोगों ने सवारी के रूप में उसे यूज किया होगा। पहली बार घोड़ा भी एक हीरो है, वो हीरो की हर भाषा समझता है, हर बात समझता है। घोड़े के साथ हीरो के आंख में आंसू है तो घोड़ा भी आंसू बहाता है, हीरो फाइट कर रहा है तो घोड़ा भी फाइट कर रहा है। इस तरीके से एक धमाकेदार फिल्म है जिसका नाम है रुद्रा। अभी मैं फिल्म करके आया कसम पैदा करने वाले की, तो टाइटल से ही लग रहा होगा कि एक्शन है। कसम पैदा करने वाले की का एक्शन मुझे नहीं लगता है कि अब तक मैंने वैसा एक्शन किया था पर्दे पे। एक अलग किस्म का आपको एक्शन मिलेगा जिसमें सुपर पावर है मेरे अंदर। इस फिल्म में अदाकारी की बात करें, कौन है हीरोइन? कौन इस फिल्म में? इस फिल्म में मेरी नेहाशी हैं और नेहाशी के साथ मैंने काम किया और मुझे लगा कि रियली में बहुत अच्छा हम लोगों की केमिस्ट्री आप लोग पर्दे पे देख सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं अपने बैनर से भी एक फिल्म करने जा रहा हूँ, उसमें मैंने सोचा ही है कि नेहाशी को मैं काम करूँगा नेहाशी के साथ। एक्चुअली सब लैंग्वेज में एक मिठास है और हर कल्चर की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। राजस्थानी भी बहुत प्यारा कल्चर है और भोजपुरी ने हमेशा से मुझे प्यार दिया है। और यश जी के साथ ये एक्शन राजा करके तो मुझे भी फील आ रहा है कि अब मैं भी एक्शन करूँ। एंड थैंक्स टू यश जी, थैंक्स टू हमारे जो डायरेक्टर है संजय जी, जिन्होंने इस फिल्म के लिए मुझे चुना। अभी मेरी अर्जुन पंडित 14 तारीख से शूट पे जा रही है जो पवन जी के साथ है। थैंक यू। एक्शन राजा में एक्चुअली मैं नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, बट काफ़ी अच्छा ट्रेलर था। एंड नेहा श्री एंड यश जी और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड मैं सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उनकी फिल्म के लिए, बहुत अच्छी हिट जाए एंड लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो आप सब ज़रूर देखिए इस फिल्म को, काफ़ी अच्छा एक्शन किया है यश जी ने। सो अभी मैं बाबरी मस्जिद करके आ रही हूँ जो बहुत ही जल्द देखने मिलेगी आप सबको। एंड मेरी अभी रिसेंटली फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना, देन दुल्हन गंगा पार के, बाबरी मस्जिद, हीरोगिरी और काफी फिल्म्स है। सो आप सब देखिए। एंड काफ़ी आगे हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ा है। एंड मैं 5 साल पहले आई थी तो काफ़ी लोग पसंद करते थे, लेकिन आज के डेट में मैं जहाँ पहुँची हूँ आप सबके प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। सो आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है एंड हमारे काम बहुत पसंद किए हैं आपने। सो मैं यही चाहूँगी कि मैं और अच्छे अच्छे काम करूँ, आप सबको और एंटरटेन करूँ, और खुशी हो रही है आप सब इतना प्यार दे रहे हैं मुझे। तो थैंक यू सो मच और दिल से धन्यवाद प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद कर रही हूँ आप सबको। सॉरी, नहीं एक्चुअली बहुत अच्छी बात हुई है बिकॉज बहुत ब्लैक मनी हमारे यहाँ पे बहुत हुआ है। तो तकलीफें हो रही है, लेकिन तकलीफें हो रही है, मुझे भी हो रही है एक्चुअली। बट जैसे मोदी जी कहते हैं हमारे कि अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आ चुके हैं। सो टेंशन मत लीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मैं भी बहुत खर्चे करती थी, अब थोड़े थोड़े कर रही हूँ। सो आप भी थोड़ा थोड़ा खर्चा करिए और खुश रहिए।